हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं आज जा रहा हूँ अपनी i20 की पहले साल की सर्विस कराने के लिए, और इश्यूज तो कोई मेजर नहीं है। थोड़ी बहुत खटपटाहट की आवाज़ है, क्लच में थोड़ी बहुत आवाज़ें आ रही हैं, वो दिखाना है, और उसके अलावा तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है। बाकी पावर का तो देखो यार, एसी ऑन करने के बाद इशू रहता ही है, तो उसकी तो आदत लग गई है। ठीक है, बाकी देखते हैं क्या खर्चा आता है क्या नहीं, और फिर जब सर्विस हो रही होगी तभी मिलेंगे। एस्टीमेट उन्होंने बनाया सर्विस का, बहुत सारी चीज़ें थी उसके अंदर। सबसे पहले तो ऑयल फिल्टर और जो आपका इंजन रहता है वो 1800 के आसपास का था। फिर उसके बाद उन्होंने डाला था लुब्रिकेशन, जो कि मैंने मतलब शोरूम का जो एक बंदा है जिसको मैं जानता हूँ, और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई खास मतलब आपकी ज़रूरत नहीं होगी तो हटवा दो, क्योंकि वो 400 का है लुब्रिकेशन में। मेन आपके डोर के इंजेस और वो सब की जो थोड़ी बहुत लुब्रिकेशन होती है वो आती है, वो आप मैनुअली भी कर सकते हो या फिर आप किसी मैकेनिक से करा सकते हो बाहर। फिर उसके बाद आती है व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग। मुझे ऐसा कोई मेजर इशू लगा नहीं, और अगर वो होगा भी तो ये लोग थोड़े से इन्फ्लेटेड प्राइसेस पे करते हैं, क्योंकि ये ऑब्वियसली वर्कशॉप है और सर्विस सेंटर है गाड़ी का, तो उधर थोड़ा ज़्यादा रेट पे होता है। तो वो करीब करीब 1000 के आसपास का पड़ रहा था दोनों, तो वो भी मैंने हटवा दिया। फिर उसके अलावा इन लोगों का था कि एसी की रिफ्रेशमेंट, ये कुछ वेंट्स के थ्रू कुछ केमिकल्स डालते हैं एसी में जो हेल्प करता है जो भी आपका डस्ट और जो भी गंदगी है वो एसी के पानी के थ्रू निकल जाए। अब मैंने एक बंदे से बात करी तो उन्होंने कहा कि एसी में अगर कोई मेजर इशू नहीं लग रहा है, कूलिंग में इतना कोई इफेक्ट नहीं लग रहा आपको, तो आप उस चीज़ को स्किप कर सकते हो। वो करीब करीब 575 के आसपास की पड़ रही थी, तो वो भी मतलब मैंने स्किप कर दी। फिर उसके बाद थी रोडेंट, जो कि आपके इंजन का एक पूरा जो वो डालते हैं लोग कुछ, तो ऑयल वॉयल लगाते हैं उसकी कुछ, तो ताकि वो चूहों से बचता है उसके लिए, तो वो करीब करीब 800 रुपये का था, तो वो भी मैंने मतलब रिमूव करा दिया। तो इन सब चीज़ों को मिला के जो टोटल, अच्छा एक थ्रॉटल बॉडी क्लीनर था, तो थ्रॉटल बॉडी मैंने सोचा कि पड़े रहने देता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है, गाड़ी ठीक ठाक पिकअप दे, ठीक ठाक एवरेज दे, तो उसके लिए मैंने सोचा कि एक साल बाद तो वो लगवा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्लीनिंग करवा देते हैं। तो उसका जो टोटल एस्टिमेट आ रहा था वो आ रहा है करीब करीब 2500 प्लस टैक्सेस। अभी उसमें जो एसी का फ़िल्टर है वो भी चेंज होगा, अभी मैंने आपको दिखाया था, तो वो एसी का फ़िल्टर भी जो है वो चेंज होगा, वो करीब 300 से 400 रुपये का आएगा। हवा मारने के बाद भी वो इतना साफ़ नहीं होगा। तो जो रतन जी हैं, जो जिनको देखा था आपने अभी जो गाड़ी पे काम कर रहे थे, वो मैं पहली बार आया था तो वो थे यहाँ पे, और वो लग रहे थे कि एक्सपीरियंस है और मतलब बहुत आराम से काम करते हैं, और आई डोंट फील कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लगाएंगे गाड़ी पे ज़बरदस्ती। तो उनको ही मैंने बोला कि आप सर्विस करो, तो उन्होंने बताया कि थोड़ी ज़रूरत है एसी के फ़िल्टर की, तो वो चेंज कर रहे हैं। बाकी जो मेरे को लग रहा है टोटल कॉस्ट आएगी वो 3000 के आसपास, 3-3500 के आसपास आएगी। बाकी देखते हैं, अभी गाड़ी पे काम हो रहा है, इंजन ऑयल जो है वो साफ़ पूरा निकल चुका है, बाहर आ चुका है, इंजन ऑयल का जो फ़िल्टर होता है वो भी चेंज हो गया है, अब आगे काम हो रहा है, देखते हैं आगे क्या होगा, फिर उसके बाद मिलते हैं हम लोगों से। तो गाइस, सर्विस हो चुकी है और मैं आ गया हूँ। टोटल बिल आया है 2773, जो उसका बाइफर्केशन है, मैं आपको बताता हूँ कहीं चलता है खाली जगह पे। गाड़ी साफ करवाने पे थोड़ा टाइम लग गया था, तो बाकी तो यार ये लोग, मैंने एक चीज़ देखी है हुंडई की, वो अच्छी है कि ये लोग ना अपने बंदों के पीछे पड़े रहते हैं, और कोई भी दिक्कत हो एज फार एज गाड़ी वारंटी में है, तो ये लोग चाहते हैं कि कोई भी हल्की फुल्की दिक्कत आए तो वो ठीक हो जाए। तो मैं ये बता रहा हूँ कि क्लच में ना हल्की सी आवाज़ आती है कट 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 करने की, तो वो मैंने इनको बताई थी, वो इन लोगों ने लुब्रिकेशन के बाद फिक्स करने की कोशिश करी, बट उससे हुआ नहीं। तो अभी इन लोगों ने जो मास्टर सिलेंडर आता है उसका, आपकी क्लच का, वो ऑर्डर कर दिया है, वो अगले हफ्ते आएगा, वो ये वारंटी के अंदर लगवा देंगे। ठीक है, बाकी मेरा काम हो गया था तो मैं चल दिया हूँ, और अभी आपको जो फाइनल बिल है उसका बाइफर्केशन दिखाता हूँ। तो गाइज, ये रही गाड़ी सर्विस होने के बाद, और तो देखो सबसे पहले इन लोगों ने वो वॉशर फ्लूड डाला है 33 रुपये का। ठीक है, उसके बाद कंज्यूमेबल्स है, वो कुछ एक आध कपड़ा वपड़ा यूज़ किया था स्पेसिफिकली गाड़ी के लिए, तो वो 9 रुपये का। बाकी फिर उसके बाद जो एयर फिल्टर है वो करीब 300 रुपये का है। फिर ऑयल फिल्टर इन लोगों ने डाला है जो 90 रुपये का है, और बाकी एक और जो फिल्टर डाला था वो 250 का है। इन्होंने दो फिल्टर डाले हैं, एक तो अपना एयर फिल्टर है और एक एसी का फिल्टर है, तो वो इन्होंने 250 का लगाया है। बाकी जो इंजन ऑयल है वो पड़ा है 1217 का। उसके अलावा इन लोगों ने थ्रॉटल बॉडी करी है करीब करीब 394 की, जो टेक्निकली लेबर में आती है बट ये लोग अलग से करते हैं, तो ठीक है। बाकी तो जो फिर टोटल आया वो है 2773। तो गाइस, सर्विस पूरी हो चुकी है, और जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे को मिली मैंने आपको बताई। एक बात और, जो मेरे जब मैं ट्रायल पे गया
बाद में सर्विस होने के बाद, तो व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग की कोई ऐसी खास रिक्वायरमेंट नहीं लगी, तो मैंने कंपनी से भी नहीं करवाई और अभी थोड़ा टाइम नहीं करवाऊंगा जब तक मुझे खुद फील नहीं होगी। तो ये सारी बातें थी, सर्विस किफायती थी, कुछ ये लोग एक्स्ट्रा चीजें डालते हैं, आपको लेनी हो तो आप ले सकते हो, और ऐसी कोई एसेंशियल नहीं है कि मतलब जरूरी ही आपको लेनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट अगेन वो आपको कुछ ना कुछ चीजें बेचने की कोशिश करेंगे, तो एक बार आप सब चीजों को जान लो और तब जाके पूरा जो इनका एक पूरा बिल होता है उसको वेरीफाई करो, तब जाके चीजें करवाओ। और मेरा जो था टोटल वो तो ठीक ठाक था, 3,000 के अंदर आ गया, अभी तो खैर लेबर फ्री था। अब देखते हैं अगली सर्विस पे क्या होता है, और गाड़ी तो ठीक चल रही है, बस एक क्लच की दिक्कत है, वो अभी इन्होंने पार्ट ऑर्डर कर दिया, जो सिलेंडर है वो जब ये मंगवाएंगे मैं आपको दिखाऊंगा कि वो क्या है क्या नहीं है, लगता रहता है, और वो वारंटी के अंदर है तो मेरे से किसी चीज के पैसे लेंगे नहीं वो। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, आई एम युवराज, आई होप आपको चीजें पसंद आई होंगी, आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी, मिलता हूं आपसे अगले ब्लॉग में, मेक श्योर यू सब्सक्राइब, जय हिंद।